You left me in the hands of a monster. Easy, Tom. Do you know what it was like living under that man's thumb? The pain he inflicted. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीनी टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन लुईस सीरीज की सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 की कहानी को एक्सप्लेन या रिकैप करने वाले हैं। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि नेटली के वहां पे दस्तक देने की वजह से लुईस लेन की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है और नेटली के बात न करने की वजह से और अपने गम को छुपाने की वजह से पूरी तरह से सफर कर रही है। और जब वो अपनी फीलिंग को क्लार्क से शेयर करती है तो उसे ये रियलाइज होता है कि नेटली को उसकी जरूरत है और वो जॉन को फोन करके और उससे बातचीत करके अपने घर पर रहने का मौका देती है। और इधर सुपरमैन कोरियन न्यूक्लियर सबमरीन को बचाने की वजह से और उसे वापस उन्हीं को सौंप देने की वजह से न्यू DOD चीफ एंडरसन से उसकी बहस हो जाती है। और जब सुपरमैन को अर्थक्विक के हादसे की वजह से उसे ये मालूम चलता है कि एंडरसन क्रिप्टोनियन शक्ति रखने वाले स्टूडेंट का यूज कर रहा है तो सुपरमैन एंडरसन से एक बार फिर से बहस हो जाती है। और एंडरसन ये डिसाइड करता है कि अगर सुपरमैन अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकता है तो उसे भी उसकी जरूरत नहीं है। और उसे LT मशीन देने के बाद उसे बताता है कि लोगों को अब ये मालूम होना चाहिए कि अमेरिका के पास एक से ज्यादा सुपरमैन है। और जहां हम जॉनथन को अपनी गर्लफ्रेंड कैंडिस के साथ सेक्स करते हुए और लुईस के द्वारा पकड़े जाते हुए देखते हैं, वहीं सारा और जॉर्डन के बीच या समर कैंप के लौटने के बाद उनकी लव लाइफ कुछ खास नहीं चल रही है। और इधर लाना मेयर इलेक्शन में भाग लेते हुए अपने दोस्त डेनियल को यहाँ के मेयर के खिलाफ शहर के मेयर इलेक्शन में खड़ी कर चुकी है। और हम सुपरमैन को सबमरीन बचाते समय और माइंस में देखते हैं कि उसे बहुत बुरी तरह से विजन आ रहे हैं। और हम एपिसोड के अंत में देखते हैं कि उसे किसी के आने की यहाँ पे आहट महसूस होती है। और हम माइन के अंदर जाते हुए देखते हैं कि और हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं कि सुपरमैन को अपने भाई की क्यों जरूरत पड़ती है और लुईस का ऐसा कौन सा राज जिसके बाहर आ जाने की वजह से उसे कृषि के सामने सफाई देनी पड़ती है और सारा ऐसा कौन सा राज छुपा रही है जिसकी वजह से वो जॉर्डन से दूर भागने की कोशिश कर रही है। जॉर्डन। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत लुईस लेन के द्वारा ब्रेकफास्ट बनाने से होती है। और जब क्लार्क और उसके बेटे खाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकते हुए बताती है कि उन्हें अपने मेहमानों का वेट करना चाहिए। और जब नेटली और जॉन वहां पे आते हैं तो नेटली नॉनवेज होने की वजह से खाने से मना कर देती है। और जब क्लार्क अपने टेबल से उठकर लुईस लेन से बातचीत करने वाला ही होता है, उसे फिर से विजन या अटैक पड़ने लगता है। और फिर वो उन दोनों को सबमरीन के टाइम पे अटैक को और भूकंप के टाइम पे अटैक को उन्हें बता देता है। और जॉन उनसे रिक्वेस्ट करते हुए और नेटली का फर्स्ट डे होने की वजह से वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। और फिर दोनों उसके विजन के बारे में बातचीत करते हुए और कोई हल ना मिलने की वजह से क्लार्क ये डिसीजन लेता है कि वो अपने भाई से इस बारे में बातचीत करने के लिए जाएगा। और जब कार्ल वहां पे दस्तक देता है तो टाल उसका मजाक उड़ाते हुए और फेवरेट सन कहने के बाद उसका वेलकम करता है। और जब क्लार्क घुमा फिरा कर अपने विजन के बारे में पूछता है तो टाल या मॉर्गनेज उसे यही बताता है कि मैंने कभी भी अपनी यादों के सिवाय किसी और की यादों को एक्सपीरियंस नहीं किया है और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मुझसे ज्यादा किसी ने भी क्रिप्टोनियन लोगों की यादों को महसूस नहीं किया है। और उसके बेटे के बारे में जानने के बाद उसे यही सजेशन देता है कि उसे उसके किले में ले जाना होगा और तब वो वहां पे टेस्ट करके अपने इस विजन या अटैक के बारे में जान सकता है। और जब सुपरमैन उसकी बातें सुनकर वहां से जाने लगता है तो वो उसे बताता है कि तुम किस बात के लिए इतना डर रहे हो, मैं कभी भी उड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे दोस्त की वजह से मेरी सारी शक्तियाँ चली गई और इन सारी चीजों की भी कोई भी जरूरत नहीं है। और सुपरमैन एकांत का मजा लेने को कहकर वहां से जाने लगता है। और टाल जाते समय उसे बोलता है कि हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे। और इधर हम देखते हैं कि लाना अपने कैंपेन में जाते हुए करंट मेयर से टकरा जाती है। और जब मेयर उन्हें भड़काने की कोशिश करता है तो काइल से उसकी कहां सुनी हो जाती है। और जब थोड़ी देर बाद डेनियल वहां पे दस्तक देता है तो वो लाना से बातचीत करते हुए ये बताता है कि उसे ब्रिस्टल काउंटी में एक जॉब मिल चुकी है और इसी वजह से वो मेयर का चुनाव नहीं लड़ रहा है। और फिर लाना से बातचीत करने के बाद वो सभी को अपने फैसले के बारे में बता देता है। और इधर हम स्कूल में देखते हैं कि जब जॉनथन अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार भरी बातचीत कर रहा होता है तो टिमी और उसके दोस्त उस पर कमेंट मारते हुए वहां से चले जाते हैं। और इधर जॉर्डन सारा से बातचीत करते हुए स्कूल के बाद डिनर का प्लान बनाते हैं। और जब वो दोनों लंच पे बातचीत कर रहे होते हैं तो जॉर्डन सारा और नेटली को इंट्रोड्यूस करवाता है।
और विसारा और नेटली बातचीत करते हुए उसके डैड की कार के बारे में और उसे बनाने के बारे में बातचीत करने लगते हैं। और जब स्कूल खत्म होने के बाद जॉर्डन सारा से डिनर पर जाने को बोलता है तो वो उससे माफी मांगते हुए बताती है कि वो डिनर के बाद पूरी तरह से भूल गई थी और इसी वजह से उसने नेटली को प्रॉमिस कर दिया है कि वो उसके घर पे आकर उसके डैड के कार पे काम कर सकती है। और जॉर्डन इस बात को जानने के बाद उन दोनों से गुड बाय करके चला जाता है। और जब लुईस लेन स्मॉल वैली गैजेट पहुंचती है तो क्रिसी का लटका हुआ चेहरा देख और उससे पूछने के बाद उसे पता चलता है कि एली एल्सन के ऊपर लिखा हुआ उसका एक आर्टिकल क्रिसी के सरदर्द का या उसके मायूस चेहरे का कारण बना हुआ है। और एक पॉडकास्ट के जरिए बताया जा रहा है कि लुईस लेन ने अपने जॉब के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए और अपनी फैमिली मेंबर को बचाने के लिए एली एल्सन के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। और क्रिसी को अपनी सफाई में बताती है कि वो जैसा सोच रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है और उसके ऊपर ऐसे हमले बार बार होते रहे हैं, लेकिन वो हर बार इन मसलों से बाहर आ जाती है और इसीलिए उसे इस बारे में कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो दोनों डॉक्टर फाकनर के पास जाकर माइन में खुदाई की वजह से और भूकंप को लेकर उसके ऊपर सवाल दागने लगते हैं। और वो उन्हें अंत में यही बताती है कि उसे इस बारे में या भूकंप को लेकर ज्यादा कुछ मालूम नहीं है और जैसे ही कुछ मालूम चलेगा वो उन्हें जरूर बताएगी। और उसके जाने के बाद और किसी से बातचीत करते हुए हमें ये पता चलता है कि लुईस को डॉक्टर फॉकनर के ऊपर शक होने लगा है और क्रिसी से एक सोर्स की बात कहकर हेनरी से मदद मांगने के लिए चली जाती है। और जब जॉन और लुईस इसी चीज के बारे में बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं तो क्लार्क घर में दस्तक दे देता है और लुईस के पूछने पे क्लार्क उसे बताता है मॉर्गन एज या टाल से उसको कोई भी मदद नहीं मिली है। और तभी उसे एयरपोर्ट पे हो रहे हंगामे का पता चल जाता है और वहां पे दस्तक देने से पहले लुईस से ये कहता है कि वो कोच गेंग को फोन करके ये कह दे कि वो वहां पे आने में लेट हो जाएगा। और फिर हम एयरपोर्ट पे देखते हैं कि फिलिप कॉर्नोवक्सी सबके ऊपर गोलियां चला रहा होता है और सुपरमैन वहां पे पहुंचकर और अपना कमाल दिखाते हुए उसे पीछे फेंक देता है। और फिर फिलिप पावर बूस्टर लेने के बाद सुपरमैन को अपनी पावर दिखाते हुए उसकी हालत खराब कर देता है। और जैसे ही सुपरमैन अपने आप को संभाल कर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करने वाला होता है उसे फिर से विजन या अटैक आने लगते हैं और फिलिप हल्क बनते हुए सुपरमैन को लोकी की तरह धोने लगता है। और जैसे ही सुपरमैन को फिर से मारने वाला होता है एंडरसन या जनरल के स्टूडेंट वहां पे आ जाते हैं और हम देखते हैं जब सुपरमैन उन्हें देखने की कोशिश करता है तो विजन आने की वजह से उन्हें देख नहीं पाता है। और हम देखते हैं कि एंडरसन की टीम में अब टैग भी शामिल हो चुका है और उसके बेहोश होने की वजह से टैग उसे डीओडी के दफ्तर में पहुंचा देता है। और जब एंडरसन उसका हालचाल लेते हुए उसके बेहोश होने के बारे में पूछता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता है और एंडरसन उसे क्लियर करते हुए बताता है कि अगर वो टीआरए का पार्ट नहीं है तो उसे हमारे मिशन में कभी भी दखल देने की जरूरत नहीं है। और जब सुपरमैन उसे बताता है कि वो इंसान बहुत लोगों को मारने वाला था तो एंडरसन उसके बारे में बताता है कि उसका नाम फिलिप कॉर्नोवस्की है जो कि एक ड्रग रनर वेपन डीलर और बहुत सारी मात्रा में एक्स क्रिप्टोनाइट को चुराने वाला इंसान है। और जब सुपरमैन उससे पूछता है कि वो एक्स क्रिप्टोनाइट को सेल कर रहा था तो एंडरसन उसे बताता है कि मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, दुनिया में सभी लोग सुपर पावर चाहते हैं। और उसे समझाते हुए बोलता है कि अगर तुम हमारी टीम में शामिल नहीं हो तो तुम्हें कोई भी बैकअप नहीं मिलने वाला है और जो कुछ भी तुम्हारे साथ चल रहा है उसे तुम्हें खुद ही जल्द से जल्द सुलझाना होगा क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो दुनिया का हीरो बनने के बजाय तुम उनकी परेशानी बन जाओगे। और इधर हम देखते हैं कि हेनरी और लुईस माइंस के पास आकर और अपना तामझाम फिक्स करने के बाद वैन में जाकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और इधर हम स्कूल के जिम में देखते हैं कि टीमी की ताकत की वजह से या उसके वेट उठाने की वजह से कोच उसकी तारीफ करने लगते हैं और जॉन्टर इस नजारे को देख अपने आप को कोसने लगता है। और इधर जब सुपरमैन अपने घर पे पहुंचता है तो जॉर्डन के वहां पे होने पर उसे बताता है कि उसे उसकी मॉम को ये बताना है कि वो अपने भाई के किले पे जा रहा है। और जब जॉर्डन इस बात को जानता है तो वो क्लार्क से रिक्वेस्ट करती है और खतरे का हवाला देकर उसके साथ जाने की कोशिश करता है और थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद वो जॉर्डन की रिक्वेस्ट को मान जाता है। और टाल के किले में दस्तक देने के बाद सुपरमैन उसे वार्निंग देते हुए बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो टॉल उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। और फिर उसकी इजाजत लेने के बाद और अपने मॉम के स्टोन को लेने के बाद उसे लगाते हुए उसकी मॉम से मिलवाता है और उसकी मॉम सुपरमैन को देखने के साथ ही या कालेल को देखने के साथ ही उसे पहचान जाती है। और जब उसकी नजर टाल रो पे पड़ती है तो वो उसे पहचान नहीं पाती है, जिस पर टाल उसे यही कहता है कि तुम अपने भूले हुए बेटे को कैसे पहचान सकती हो। और जब उसकी मां उसे पहचानने के बाद दोनों को एक साथ देख खुश होने लगती है तो कालेल अपनी मां को बता देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और काल और टाल बहस करते हुए
टाल उसे अपने कारनामे और क्रिप्टॉन को यहाँ पे बसाने की नाकाम कोशिश को बता देता है। और जब उसकी माँ रेडिकेटर का नाम लेते हुए उसे ये बताती है कि उसने ये हथियार एक मॉन्स्टर के हाथों में छोड़ दिया था, तो टाल का दर्द छलक पड़ता है और अपनी माँ पे गुस्सा होते हुए बताता है कि तुमने उस शैतान के हाथों में मुझे छोड़ दिया था, और तुम्हें क्या कोई भी अंदाजा है कि उस शैतान के हाथों के नीचे अपनी जिंदगी को काटना कितना मुश्किल हो गया था। और उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके पैदा होने के बारे में उसे कोई भी नॉलेज नहीं थी, और जब उसे इस बारे में मालूम चला तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। और टाल उस पे फिर से गुस्सा होते हुए यही समझाता है कि उसने जानबूझकर उस मॉन्स्टर के हाथ में उसे छोड़ दिया था, क्योंकि वो काल की तरह उसे प्यार नहीं करती थी। और उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है और उसका प्यार उसके लिए हमेशा से ही मौजूद रहा है, और किस्मत ने हमें फिर से एक बार ऐसा करने का चांस दिया है। और टाल उससे बोलता है कि अब किस्मत की बात बहुत दूर जा चुकी है और अब तुम्हें सिर्फ एक बेटी की परवाह करनी है और उसे अब अपनी माँ की जरूरत है। और फिर सुपरमैन अपने बारे में और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगता है। और जब उसकी मॉम कालेल को चेक करने लगती है तो जॉर्डन और टाल में तुतुमेमे शुरू हो जाती है। और इधर जब उसकी मॉम उसे चेक कर रही होती है, कालेल को फिर से एक बार विजन और अटैक पड़ने लगते हैं। और टाल सुपरमैन को इस हालत में देखने के बाद अपनी ताकत दिखाते हुए, और जब सुपरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है तो टाल अपनी आंखों की पावर दिखाते हुए उसे दूर फेंक देता है। और जब वो फिर से आगे बढ़ने लगता है तो जॉर्डन अपनी आंखों की पावर दिखाते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, और फिर चाचा भतीजे की फाइट शुरू हो जाती है। और अपने भतीजे से थोड़ी बहुत मार खाने के बाद टाल उसे अपनी ताकत दिखाते हुए दूर फेंक देता है। और जब सुपरमैन के सामने उसका काम तमाम करने वाला होता है, उसके मॉम के इंटरप्ट करने से और उसके साथ बहस करने की वजह से एक समय के लिए रुक जाता है। और सुपरमैन का विजन खत्म होने के साथ सुपरमैन उस पर हमला करते हुए और उसे मारते हुए बोलता है कि, और उसके माँ के रोकने की वजह से वो उसे मारना छोड़ देता है। और जॉर्डन को चेक करने के बाद वो टाल से बोलता है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं करना चाहिए था और यहाँ पे आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसने तुम्हें यहाँ पे लाकर बिल्कुल सही काम किया है, और उसे बताती है कि उसे मालूम है कि उसके साथ क्या पंगा चल रहा है, और उसे फिर से जेल में ले जाकर छोड़ देता है। और जब वो दोनों वहाँ पे बातचीत करते हुए और काल उससे बोलता है कि वो तुम में अभी भी अच्छाई ढूंढ रही है और ये विश्वास करती है कि तुम अभी भी अच्छे हो सकते हो, तो अपने भाई के पूछने पे वो उसे बताता है कि वो इस बारे में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो सके। और इधर हम देखते हैं कि नेट और सारा मिलकर एक दूसरे से बातचीत करते हुए नेट उसकी कार पे काम करते हुए उसकी डैड की कार को ठीक कर देती है। और इधर हम देखते हैं कि जब सुपरमैन किले में विजन आ रहे होते हैं, माइंड में हलचल शुरू हो जाती है, और लुईस लेन और हेनरी इस चीज को अपने मशीन पे रिकॉर्ड भी करते हैं। और हम माइंड के अंदर देखते हैं कि जब डॉक्टर फॉकनर सभी को निकलने को बोलती है तो उन लोगों को वहाँ पे किसी के आने की आहट महसूस होती है, और फिर वहाँ पे कोई दस्तक देते हुए सभी को एक एक करके मारने लगता है। और जब जो का पीछा करते हुए उसका काम तमाम करने वाला होता है, वो माइंस के अंदर विस्फोट कर देता है। और जब लुईस इस नज़ारे को देखने के बाद अपने ऑफिस आती है तो क्रिसी का चेहरा फिर से लटका होता है, और उसके पूछने पे पता चलता है कि एली एल्सन का पॉडकास्ट सब जगह पे वायरल हो चुका है। और क्रिसी उसे ये भी बताती है कि अगले पॉडकास्ट में वो उसके फैमिली मेंबर या एली इस बारे में सबूत पेश करने वाली है। और क्रिसी के बार बार पूछने और इंसिस्ट करने पर लुईस उसे बताती है कि उस पॉडकास्ट में जिसका जिक्र हो रहा है वो मेरी बहन लूसी है, और उसे बताती है कि लूसी ने अपनी जिंदगी में जो भी इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी दौलत एली के ऊपर लुटा दिया, और जब सब कुछ खत्म हो गया तो एली ने उसे मैनिपुलेट करते हुए या अपने प्रोग्राम से निकालकर उसे खुद को ढूंढने के लिए बाहर फेंक दिया, और उससे मोटिवेट होते हुए लूसी ने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, और अगर उसे मैंने सही टाइम पे ढूंढा नहीं होता तो उसने अपनी जान को गंवा दिया होता। और जब क्रिसी उससे पूछती है कि क्या तुमने उसे सब कुछ सच बताया है और वो क्या तुम्हारी बदनामी होने से पहले या इस पॉडकास्ट में आने से मना करेगी, तो लुईस उसे बताती है कि मैं इस बारे में कुछ भी पूरी तरह से श्योर होके नहीं कह सकती हूँ। और इधर लाना और काइल ये डिसाइड करते हैं कि डेनियल के जाने के बाद लाना मेयर के लिए चुनाव लड़ेगी। और इधर जब जॉर्डन जॉनथन से अपने कारनामे के बारे में बता रहा होता है तभी वहाँ पे नेटली दस्तक दे देती है, और जब जॉर्डन सारा के बारे में पूछता है तो नेट उसे बताती है कि तुम खुद जाकर बाहर उसे पूछ सकते हो। और जब जॉर्डन उससे बाहर जाकर बातचीत करता है तो सारा उसे बताती है कि उसने समर कैंप में
एक लड़के को किस कर लिया था और इसी वजह से वो उससे दूर दूर रह रही थी। और जब सारा उसे समझाने की कोशिश करती है तो जॉर्डन अपना टूटा दिल लेकर और उसकी बात सुने बिना वहां से चला जाता है। और फिर हम अंदर देखते हैं कि तीनों मॉर्गन एज के बारे में बातचीत करते हुए उसके विजन के बारे में बातचीत करने लगते हैं। और सुपरमैन उसे बताता है कि उसकी मॉम ने उसे बताया है कि ब्रह्मांड में किसी खगोलीय घटना या कॉस्मोलॉजिकल इवेंट की वजह से उसे ये प्रॉब्लम हो रही है। और जब लुईस उसे समझाने को बोलती है तो वो उसे बताता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसका कोई ना कोई इंसान या कोई प्राणी इसका कारण बना हुआ है। और जब वो उन लोगों को एक्सप्लेन करता है कि ये उसके साथ 5 बार हो चुका है तो जॉन खोजबीन करते हुए उसे बताता है कि जिस दिन से अर्थक्वेक हुआ है उसी दिन से तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। और फिर तीनों बातचीत करते हुए इस फैसले पे पहुंचते हैं कि जो कुछ भी खदानों के अंदर मौजूद है उसी की वजह से उसे ये प्रॉब्लम हो रही है। और इधर डॉक्टर फॉकनर किसी से बातचीत करते हुए ये बताती है कि तुम सही बोल रहे थे, इस माइंड के अंदर से कोई ना कोई चीज बाहर आ रही है और वो इतना ताकतवर है जिसकी हमने कोई भी उम्मीद नहीं की थी। और डॉक्टर फॉकनर के मुस्कुराहट के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।